तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आ गया हूं अंदर जहां पे आप हीरो स्प्लेंडर प्लस देख रहे हैं हमारे सामने है, और मैं आ गया हूं माही ऑटो बाइक शोरूम में। तो जो सर है उनका बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। मैं असीम अंसारी, यहां पे मैं फाइनेंस करता हूं। तो वही फाइनेंस के बारे में मैं बताऊंगा कुछ। अच्छा, तो सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि आप इसको सबसे जो कम डाउन पेमेंट है, जो लोग किसान है, स्टूडेंट्स है, बिजनेस वाले पर्सन है, या फिर जो रेलवे में है, फिर जो कि आर्मी में है, जो कि सीआरपीएफ में, उनके लिए सबसे कम डाउन पेमेंट आप इसका कितना रखें? इसके लिए सर सबसे कम डाउन पेमेंट 12,500 पड़ेगा। हाँ, जो थ्री इयर्स के लिए वो इसको परचेज कर सकते हैं। बस थ्री इयर्स उनको मंथ बाई मंथ ईएमआई जमा करना होगा। 12,500 आपको इसका देना पड़ेगा, सबसे कम डाउन पेमेंट है। और ये जो आपको 3 साल के लिए इसका आपको बनेगा। और ईएमआई कितना देना पड़ेगा सर पर मंथ? मंथली सर आपको 2900-3000 तक, 2900 से 3000 का मंथली ईएमआई देना पड़ेगा, जो कि कितने साल का होगा? 3 साल का होगा सर, 36 मंथ, जो कि 36 मंथ का होगा। तो सर जैसे जो खेती करते हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं और फिर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस बाइक को खरीदने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा? कौन से डॉक्यूमेंट? सिंपली सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और फोटोग्राफ, अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है। हाँ, बस कितना फोटो लाना पड़ेगा? 4 पीस। 4 पीस फोटो लाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का जो कि डॉक्यूमेंट वर्क है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट आप ध्यान से रिवर्स करके सुन लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप लेके आएगा तो ये बाइक जो है वो काफी ज्यादा आसानी से आपको मिल जाएगा। सर फाइनेंस का जो टाइम पीरियड है, कितने जल्दी आप फाइनेंस कर देते हैं? पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सर आप प्रॉपर रहेंगे, 15 मिनट में आपको फाइनेंस मिनट करके गाड़ी दे दिए। तो ये आपको मेरे को सबसे अच्छा बेस्ट मतलब एक बताइए कि अच्छा मतलब एक मिले कि आपको सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं माही ऑटो बाइक, जो 15 मिनट के अंदर आप अगर ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आएगा तो 15 मिनट के अंदर ये जो बाइक है वो आपका हो सकता है। अच्छा सर, तो जैसे जो यहाँ के लोकल लोग है, जैसे लोकल लोग है, तो उनको जो जैसे जो डाउन पेमेंट बनेगा तो वो क्या शोरूम में ला के जमा करना पड़ेगा कि उनके अकाउंट से कट जाएगा? नहीं, जो भी उनका ईएमआई होगा उनके अकाउंट से ही डेबिट होगा। अकाउंट से डेबिट होगा। जैसे जो लोग हैं जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर बैंक अकाउंट है जो कि बहुत दिन से चालू खाता नहीं है, तो अगर वो यहाँ पे लाकर शोरूम में अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ लाके जमा करूँ तो क्या हो जाएगा सर? हाँ सर, उनके लिए भी है। हाँ? वो उनका हम लोन आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड पे ही कर सकते हैं। हाँ? मगर उनको हर मंथ आकर शोरूम में ही पैसा जमा, शोरूम में ही पैसा जमा करना पड़ेगा। सर जो पैसा जमा करने का टाइम पीरियड है वो कब तक पैसा जमा करना होगा उनको? सर उनका हर मंथ का 8 तारीख, हर मंथ के 8 तारीख को आपका जो बाइक का लोन है वो आपको लाके जमा करना पड़ेगा। और सर मेरा मन में एक ख्याल आ रहा था, जैसे कोई लोग होते हैं कि क्या होता है, पहले तो फाइनेंस कराते हैं, उसके बाद हो सकता है कि किसी कारणवश उनके पास पैसा आ जाता है पूरा, तो वो सर क्या पूरा पेड करके ईएमआई बंद करा सकते हैं? जी सर। तो जब वो चाहे, उनकी मर्जी। हाँ, जब वो चाहे पूरा पेमेंट करके, मतलब जैसे जैसे 4 महीना किस्त चला, 5 महीना किस्त चला, उसके बाद पूरा पेमेंट करेगा तो क्या उसका मतलब अलग से इंटरेस्ट भी लगता है, क्या लगता है सर? नहीं सर, जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ रहता है। हाँ बिल्कुल, उसका 5% फॉर क्लोजिंग चार्ज होती है। हाँ, उसको देकर उनका क्लोज किया जाता है, क्लोज किया जाता है। ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अगर बाय द वे अगर आप 4 महीना आपका ईएमआई चला, 5वां महीना हो सकता है कि आपको कहीं कुछ कारणवश आपका पैसा फंसा तो आपको मिल गया, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसे 5% इंटरेस्ट लगे और आप देखे आप इसके लोन ईएमआई को बंद करा सकते हैं। तो सर जैसे जो लोग हैं वो बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को साल भर का ईएमआई कर दीजिए, 2 साल का ईएमआई कर दीजिए, ऐसा तो सर फिक्स नहीं है कि वो 3 साल का ही ईएमआई होगा? ना सर, लोग कम ही करा सकते हैं उनके मर्जी के अनुसार, मतलब वो अपने पैसे के अनुसार करा सकते हैं। जैसे जिसके पास 5000 मंथली देना सकते हैं तो वो करा सकते हैं, जो जितना ईएमआई भर सकता है अपने अफोर्ड के प्रति। हाँ, जैसे कि उन किसी को मन करता है कि हम 2500 रुपया मंथली भरे, या कोई रहता 3000, कोई रहता 5000, बिल्कुल सर, उसके उन्हीं के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से ही। हाँ, यहाँ लोन होता है। हाँ, और होता हर मंथ का है। अच्छा, 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ। हाँ, इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स मेरे को अच्छा एक आपके लिए सुविधा है कि आप अपने हिसाब से अपना ईएमआई सेट करा सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपने हमारे लोगों को ये बताया। तो फ्रेंड्स अगर आप हीरो स्प्लेंडर प्लस या इसके हीरो की और भी कोई मॉडल खरीद सकते हैं, जैसे हमारे सामने देख सकते हैं बहुत सारे बाइक्स भी लगे हुए हैं। अगर आप हीरो की कोई भी बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप माही ऑटो बाइक शोरूम आइए, जो कि लातेहार बरवाड़ी के पास, ये काफी ज्यादा अच्छा ट्रस्टेड शोरूम है, और यहाँ पे लाके आप अपना फाइनेंस स्कीम सर से यहाँ पे लाके कंसल्ट कीजिए। जो शोरूम का नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसके बारे में फुल डिटेल्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी, ये फाइनेंस वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।